आज के दिन के लिए। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु की महान हुजूरी में, और प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया, ये समय दिया उसकी हुजूरी में जुड़ने के लिए, उसके वचनों को पढ़ने के लिए, उसके वचनों से सुनने के लिए। तो जैसा कि हम लोग अभी एक सीरीज़ में चल रहे हैं दाऊद की ज़िंदगी से, लाइफ ऑफ डेविड, इंट्रोडक्शन ऑफ डेविड, ठीक है, इस तरीके की हम बातें पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि दाऊद ने क्यों उस कहते जो शाऊल था उसको छोड़ दिया, और उसके बाद पढ़ा हमने कि जब परमेश्वर ने स्वयं शाऊल को दाऊद के हाथ में कर दिया, तब भी जो है दाऊद ने उसको कुछ हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि उससे आगे बढ़ के चला गया, ठीक है। और उसने एक बात को बोला कि अगर मैं क्योंकि मैं प्रभु का भय रखता हूँ, इसलिए परमेश्वर ने जिसको चुना है मैं उसको हानि नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। आगे बढ़े हम पहला सैमुअल 29 और 30 अध्याय में, तो वहाँ पे इस बात के बारे में स्पष्ट करके लिखा गया है कि वहाँ पे एक युद्ध हुआ, मतलब एक वॉर हुआ सिकलग नाम की जगह में, और जितने भी वहाँ पे लोगों ने युद्ध किया, दाऊद वहाँ पे नहीं था, और दाऊद के पीछे से उसकी बीवी, उसके बेटे और जितने लोग दाऊद के साथ थे उनके बीवी बच्चों को अगुआ करके वो लोग ले गए, ठीक है। जो अमालेकी लोग थे वो दाऊद के बच्चों को, दाऊद के लोगों के बच्चों को, उनकी बीवियों को बंधुआ बना के ले गए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे दाऊद ने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि वहाँ पे भी दाऊद ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उसने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। मेरे साथ निकालो पहला सैमुअल उसका 30, उसका 1 से लेके 6 तक पढ़ दीजिए कोई, पहला सैमुअल 30 उसका 1 से लेके 6 तक। जी पास्टर जी, पहला सैमुअल 30। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंधुआई में ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सभी को लेकर अपना मार्ग लिया। इसीलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंधुआई में चली गई थी। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही, और दाऊद की दो स्त्रियां इज़राइली अहिनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल बंधुआई में गई थी, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके यह बांधा। आमीन। दाऊद ने क्या किया वहां पे, आखिर लाइन क्या पढ़ी आपने, दाऊद ने कुछ किया? दाऊद ने परमेश्वर की स्मरण करके अपना हियाव बांधा। दाऊद ने परमेश्वर को स्मरण करके अपना हियाव बांधा, ठीक है। आप लोगों की जिंदगी के लिए एक सवाल, क्या आप लोगों की जिंदगी में ऐसा कोई समय आया है जब आपको लगता हो कि सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ चला गया, हाथ में कुछ भी नहीं रहा, जो मेरे अपने थे वो भी चले गए, जिन पे मैं ट्रस्ट कर सकता था वो भी चले गए, जिनको मैं अपना कह सकता था चले गए, और परदेशियों ने आके पूरा का पूरा जो है चीज़ को खराब कर दिया और सब कुछ मेरे पास से चला गया। वहाँ पे दाऊद के लिए एक बात लिखी गई है कि दाऊद ने परमेश्वर में होके क्या किया, हियाव बांधा, ठीक है जी। हियाव बांधना क्या होता है? David strengthened himself in the Lord. ठीक है, चलो। दाऊद ने परमेश्वर में होके हियाव बांधा। हियाव अभी आप लोगों ने बताया दृढ़ होना, किसी चीज के लिए पक्का हो जाना। क्या आपने कभी हियाव बांधा है किसी चीज को लेके?
बहुत बार, ठीक है। क्या कभी ऐसी परिस्थिति आई है कि आपको लग रहा हो कि अब कुछ सही नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु मैं तुझ पे विश्वास करती हूँ और मैं फिर से एक बात ये जान एक और बार मैं इस बात को तेरे पास लेकर आती हूँ और जानती हूँ परमेश्वर पिता कि तू मेरी जिंदगी में एक नए तरीके से काम कर सकता है। कभी ऐसा हुआ आप लोगों की जिंदगी में कि आपको लग रहा हो कि अब सही नहीं हो रहा कुछ, लेकिन प्रभु फिर भी मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ या तुझ पे विश्वास करती हूँ और नए तरीके से तेरे साथ चलना चाहती हूँ। हुआ सबके साथ हुआ है। रात को प्रार्थना करते हो सारे, तो मोस्टली इस बात को बोलते होगे, प्रभु जी आज जो कुछ हुआ छोड़ देते हैं प्रभु, लेकिन कल से एक नई शुरुआत मेरी जिंदगी में कर। ठीक है, चलिए। दाऊद ने भी वहां पे इसी तरीके से कुछ किया और दाऊद ने वहां पे अपने आप को उस जगह पे, उस पर्टिकुलर जगह में जब सिकलक को पूरा का पूरा बर्न कर दिया था, पूरा जला दिया था, दाऊद के पास कोई भी नहीं था। सब लोग अपने अपने घरों को रो रहे थे कि मेरी बीवी चली गई, मेरे बच्चे चले गए, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, और दाऊद भी कहीं ना कहीं उस जगह पे बैठ के रो रहा था, बिल्कुल अकेला फील कर रहा था कि प्रभु जो मेरे अपने थे वो बिल्कुल ही मेरे से दूर हो गए, अब वो मेरे पास नहीं है, मैं किसके साथ अपनी बातें शेयर करूं, मैं कैसे अपनी बातों को बताऊं, कैसे मैं तुझ में बढ़ूं। लेकिन वहां पे आखिरी आयत में, एक छठी आयत में बात लिखी है कि दाऊद ने परमेश्वर में हियाव बांधा। यहां पे हियाव क्यों बांधा गया? वो चाहता तो परमेश्वर को कोस सकता था, प्रभु तूने मुझे राजा ठहराने के लिए नियुक्त किया है, मैं तेरे ही कामों को करने के लिए, राजा के बड़े कामों को करने के लिए जा रहा हूं, और पीछे से प्रभु मेरी ही जिंदगी में ऐसा हो रहा है, पीछे से प्रभु लोग आके मेरे भी बच्चों को ले गए, मेरी ही परिस्थिति खराब कर दी, सब कुछ मेरे साथ ही हो गया, प्रभु ऐसा तूने क्यों होने दिया? प्रभु एक थॉट आ सकता था दाऊद की जिंदगी में, बहुत स्वाभाविक बात है ये, लेकिन दाऊद ने के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। वहां पे लिखा गया कि दाऊद ने क्या किया, हियाव बांधा परमेश्वर में। जब दाऊद ने हियाव बांधा तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि इतनी बुरी परिस्थिति होने के बाद भी जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होता है वो परमेश्वर को कोसता नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना आ रही हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी गलत क्यों ना दिख रही हो, चाहे परिस्थिति क्यों हमें गिरा ही क्यों ना रही हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर की बातों को सुन के चलते हैं, परमेश्वर के साथ प्यार करके चलते हैं, परमेश्वर की विधियों को देख के चलते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए अपने मुंह से गलत नहीं निकालेंगे। अब मेरा सवाल आप लोगों से फिर से, जब कोई तकलीफ आती है, जब कोई परेशानी आती है, तो कितनों के मुंह से अच्छे अच्छे वचन निकलते हैं, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा करना था, प्रभु मेरे साथ ही ये होना था, तूने क्या मेरे को इसलिए रखा है कि सब मेरे को गालियां दे, है प्रभु सब कुछ मेरे साथ ही होना है, ये सब चीज गलत मेरे साथ होनी है, ऐसा मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ। आप लोग नहीं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, ठीक है जी, स्वाभाविक चीज है ये, हम सब इसको करते हैं। लेकिन दाऊद की जिंदगी से हम इस बात को सीख सकते हैं कि परिस्थितियां बेशक से खराब क्यों ना जा रही, परिस्थितियां बेशक से विपरीत क्यों ना जा रही हूं, परिस्थितियां बेशक से और गिरावट में क्यों ना दिख रही हूं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, परमेश्वर में हियाव बांधना है, परमेश्वर में बोल्ड होना है, परमेश्वर में अपने विश्वास को हटने नहीं देना है, और इस बात से प्रार्थना करनी है कि प्रभु तू एक नया काम मेरी जिंदगी में कर, तू मेरी जिंदगी को एक नए तरीके से चेंज कर। हम कह सकते हैं इस समय कि दाऊद जैसे हालात हमारे नहीं है, ठीक है, हमारे हालात अच्छे हैं अभी, ठीक है, दाऊद जैसे बुरे हालात हमारे नहीं आए हैं। जब इतने बुरे हालात में दाऊद परमेश्वर में हियाव बंधा सकता है, तो हम अच्छे हालातों में क्या हियाव नहीं बांध सकते परमेश्वर में? क्या अच्छे हालातों में हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते? क्या अच्छी सिचुएशंस में हम इस बात को नहीं कह सकते कि परमेश्वर मुझसे गलती हुई है, तू फिर से मुझे दृढ़ कर, तू फिर से मुझे खड़ा कर, तू फिर से मेरी जिंदगी में काम कर, क्या हम इस बात को नहीं कह सकते? हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं,
व्हाट वी कैन डू, हम क्या करते हैं ऐसी परिस्थिति में, कोई बताएगा? बताओ बताओ। ठीक है, तो सिस्टर जी कहती हैं मैं सब कुछ बोल देती हूँ, अच्छा भी बोल देती हूँ, बुरा भी बोल देती हूँ, गुड़गुड़ा भी लेती हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद भी दे देती हूँ, सब कुछ बोल देती हूँ। ठीक है, चलो मैं अपनी बात बताऊँ आपको, मैं क्या करता हूँ जब मेरे पास कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, पहले तो एकदम दिमाग ऐसा हो जाता है कि सामने आ जाए बस वो बंदा, फिर मैं उससे बात करूँगा बैठ के कि तूने ऐसे क्यों बोला। उसके बाद जब प्रार्थना करने बैठता हूँ तो मेरे को सिर्फ एक ही बात लगती है, प्रभु अगर ऐसा होगा प्रभु जी तो तू घूम फिरा के मेरी गलती निकाल देगा, सॉरी बाद में फिर मुझे बोलना पड़ेगा, तो इसलिए मैं अभी सॉरी बोल रहा हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मुझे पता है प्रभु मेरे मुँह से उल्टी सीधी बातें निकली हैं, मैंने उसको कर्स किया है, मैंने उसके लिए कुछ गलत बात निकाली है, और घूम फिरा के चाहे गलती मेरी थी भी नहीं फिर भी तू घूम फिरा के मेरी गलती निकाल देगा, मुझे अच्छे से पता है क्योंकि तू मुझे ही कुछ सिखाना चाह रहा होगा। और फिर 2 मिनट 5 मिनट रो रहा के प्रार्थना करके चुप होके बैठ जाता हूँ, बस मेरे साथ ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम दाऊद की जिंदगी से सीखें तो दाऊद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने देखा परिस्थिति खराब हो रही है, उसने परमेश्वर में हियाव बंधाया और हियाव बंधा के वो बैठा नहीं रहा, वो उठा, वो खड़ा हुआ और उसने कुछ कामों को किया। पहला उसने घोषणा करी, मेरे साथ निकालो भजन संहिता 20 उसका साथ, भजन 20 उसका साथ। ठीक है जी, और जल्दी से कोई पढ़ दो। जब दाऊद जिकलक से बाहर लड़ने को, हाँ जी जी भजन संहिता 20 का साथ, तो वहां पे ठीक है पढ़िए। किसी को रथों का और किसी को घोड़ा का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। आमीन। ठीक है, क्या लिखी है उसकी पहली, उसका फर्स्ट हाफ में क्या लिखा है? किसी को रथों का किसी को घोड़ों का सहारा है, लेकिन हमें तो हमारे यहोवा के नाम का ही सहारा है। ठीक है, पढ़ लिया आपने, ये दाऊद ने ही इस बात को लिखा है यहाँ पे। तो जब वो जिकलक से बाहर था वो किसी तरीके से लोगों की हेल्प कर रहा था, ठीक है, कि उसका राज्य बढ़े, उसके लोग और प्रॉस्पर होके रह सकें, उसकी चीजें और ज्यादा फ्लरिश हो सके, वो और बढ़ सके, उसके लोग और बढ़ सके। लेकिन पीछे पीछे क्या हुआ कि वो बढ़ने की बजाय वो लोग कम हो गए और वहाँ पे एक बड़ा युद्ध सा हो गया, ठीक है, एक बड़ा अंधकार सा छा गया, एक बड़ा दुख का माहौल हो गया, क्योंकि उसके घर वालों को, उसके उसके लोगों के घर वालों को अमालेकी लोग उठा के ले गए थे। लेकिन वहाँ पर भी दाऊद हियाव बांध के क्या कह रहा है कि किसी को घोड़ों का किसी को रथों का, लेकिन मुझे तो मेरे यहोवा ही का सहारा है। कितने लोग परिस्थितियों को बिगड़ता हुआ देख के इस बात को बोलते हैं कि प्रभु परिस्थितियां चाहे कैसी भी दिख रही हों लेकिन प्रभु मुझे तेरा ही सहारा है, जैसा तू चाहता है प्रभु मैं वो ही करने के लिए तैयार हूँ। परिस्थितियां मुझे हिला नहीं सकती, परिस्थितियां मुझे गिरा नहीं सकती, परिस्थितियां मेरी जिंदगी को खराब नहीं कर सकती, मुझे तेरा ही सहारा है प्रभु। कितने लोग इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, हाँ बताओ बताओ, कितने लोग बोलते हैं, सच में बोलते हैं, पूरा परमेश्वर के पास भड़ास निकालने के बाद नहीं बोल रहा, पहले परमेश्वर को अच्छे से सुना दो, तूने ऐसा क्यों होने दिया, तूने वैसा क्यों होने दिया, फिर जब कुछ नहीं हो रहा फिर बोलेंगे प्रभु मुझे तो तेरा ही सहारा है, प्रभु अब तू संभाल ले, अब तू बचा ले। हाँ, ऐसे वाली प्रार्थना नहीं, परिस्थिति कैसी भी हो एक समान प्रार्थना करने में हम लगे रहें और बोले प्रभु हमें तो सिर्फ तेरा सहारा है। कितने लोग ऐसे हैं,
एक दो, ठीक है, इतने सब लोगों में सिर्फ एक या दो गई, तीन, एक दो तीन की हाथ उठे हैं, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, कोई न कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कर रहा, ऐसे करो वैसे करो, ठीक है, चलो। जब ये सब परिस्थितियां चल रही थी तो दाऊद ने तीन काम किए, ठीक है, अगर वो तीन काम करना हम लोग भी सीख गए, ठीक है, तो मैं विश्वास करता हूं कि हम भी दाऊद की तरह हर परिस्थिति में जीते हुए ही मिलेंगे। परिस्थिति कितना भी गिरा रही हो, परिस्थिति कितना भी हरा रही हो, सिचुएशन कुछ भी कह रही हो, हम जीती हुई बाजी में ही आप लोगों को मिलेंगे। आप तैयार है सुनने के लिए, तैयार है समझने के लिए, ठीक है। पहला काम जो दाऊद ने किया, उसने अपने पास्ट को रिमेम्बर किया, मतलब उसने अपने बीते हुए कल को याद किया। ही रिमेम्बर्ड हिज पास्ट। आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा पीछे जाओ, ठीक है, सबके सबसे बात कर रहा हूं मैं, अपनी जिंदगी में थोड़ा सा पीछे जाओ और याद करो कि प्रभु ने आपकी जिंदगी में, एक मिनट, ठीक है, आवाज आ रही, ठीक है, थोड़ा सा अपनी जिंदगी में पीछे जाओ और याद करो कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में क्या कोई भला काम या कोई छुटकारे का काम किया है। जब आप परमेश्वर के पास आए थे, आपने परमेश्वर से कुछ मांगा था, तो क्या परमेश्वर ने आपको दिया? आपने छुटकारा मांगा, परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया? बहुत सारा आपने भलाई के काम देखने चाहे, परमेश्वर ने वो भलाई के काम किए किए, ठीक है। दाऊद ने भी वही सब बातों को याद किया अपनी जिंदगी में। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो दाऊद और गोलायत की स्टोरी इतनी फेमस है कि हर बच्चे बच्चे को वो पता है, ठीक है, और हम सब उससे सीखते हैं। तो दाऊद ने भी अपने पास्ट को याद किया, अपने बीते हुए कल को याद किया कि जब इतने बड़े गोलायत के सामने प्रभु ने मुझे ला के रखा था और परमेश्वर ने गोलायत का सामना करने के लिए मुझे हियाव दिया था, गोलायत चाहे इतना बड़ा दिख रहा था लेकिन वो मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा पाया, तो ये परिस्थिति में पड़ने के बावजूद भी मेरे शत्रु मुझ पे कैसे हावी हो सकते? समझ पा रहे हो? जो परिस्थिति दिख रही है कि वो मुझे मार सकती है, जब परमेश्वर ने उस परिस्थिति को मुझ पे हावी नहीं होने दिया, तो जो परिस्थिति मुझे दिख भी नहीं रही, मैं इसके बारे में टेंशन ले लेके क्यों अपनी योजनाओं को खराब करूं? समझ रहे हो मेरी बात को? आप, हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरी परिस्थितियां और गिरती 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 जा रही हैं। जरा अपने बीते हुए कल को याद करो कि जब आप परमेश्वर के पास आए थे, आपने बहुत सारी चीजों को परमेश्वर से मांगा था और परमेश्वर ने एक एक करके वो सारी चीजों को आपकी जिंदगी में पूरा किया, तो अगर उस समय में परमेश्वर उन बातों को पूरा कर सकता है आपकी जिंदगी में, तो क्या आज वो आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा? क्या वो आज आपकी जिंदगी को नहीं बदलेगा? क्या वो आज आपकी जिंदगी में तब्दीली नहीं लाएगा? क्या वो आज आपकी जिंदगी को फिर से उठा के खड़ा नहीं करेगा? क्या वो आज आपकी जिंदगी को रिकंस्ट्रक्ट नहीं करेगा? क्या वो आज आपकी जिंदगी को रिस्टोर नहीं करेगा? अगर वो पहले कर सकता है तो वो आज भी करेगा, अगर वो आज करेगा तो आने वाले समय में भी करता रहेगा। याद कीजिए जरा 4 दिन पुरानी बातों को। एक इंग्लिश में एक बहुत, हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि आज वही कल है जिसके बारे में हम कल चिंता कर रहे थे। हो सकता है 2 साल पहले, 3 साल पहले आप चिंता कर रहे होंगे कि मेरा आने वाला कल कैसा होगा, मैं कैसे जीवित रहूंगा, मैं कैसे परमेश्वर में बढ़ूंगा, मैं कैसे काम करूंगा। हो सकता है आप सोच रहे थे पिछले 2 सालों में आज के दिन के बारे में, और देखिए आज वो दिन आ भी गया और आप आज खुले से आराम से परमेश्वर के साथ जी रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कि आज वही कल है जिसके बारे में मैं कल सोच रहा था। वैसे ही जरा सोचिए
कि जब परमेश्वर दाऊद की जिंदगी में पहले काम कर रहा था तो आज भी तो काम करेगा। जब परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में कल काम कर रहा था तो वही परमेश्वर आज भी तो आपकी और मेरी जिंदगी में काम करेगा। भजन संहिता 27:1 में लिखा है कि यहोवा मेरी चट्टान है। ठीक है, यहोवा क्या है? यहोवा जो है मेरी ज्योति है, वो मेरी सैल्वेशन है, मैं किसका भय खाऊं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए साम्स 27:1। हाँ जी, भजन संहिता 27:1, जब यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। रोमियो 8:31, जब यहोवा मेरे ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है, कौन मेरे आड़े आ सकता है, कौन मेरे आगे आ सकता है, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं हार सकता हूं। कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर यहोवा मेरी ओर है तो। क्या आप विश्वास करते हैं कि यहोवा आपकी ओर है? क्या आप विश्वास करते हैं कि यहोवा आपके साथ चलता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि जो यहोवा कल काम करता था वो आज भी मेरी जिंदगी में काम करेगा? क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो हताश मत होइए, निराश मत होइए, बस उस बात को याद कीजिए कि कल जो काम परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में नजात का किया था, छुटकारे का काम जो कल परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में किया था, वही काम वो आज फिर से मेरी जिंदगी में कर सकता है। दाऊद ने याद किया कि परमेश्वर ने मुझे गोलायत के हाथ में पड़ने नहीं दिया जबकि पूरी सेना उससे डर रही थी। परमेश्वर ने दाऊद गोलायत को मेरे पर हाथ उठाने भी नहीं दिया, उससे पहले ही मुझे जय दिला दी। इतने सारे लोगों ने मेरे लिए हथियार तो उठाए लेकिन एक भी हथियार मेरी हानि के लिए नहीं आ पाया। इतने सारे लोगों ने मेरी जिंदगी में बेकार के काम तो किए लेकिन कोई भी काम मेरे करीब नहीं आ पाया। इतने सारे लोगों ने मुझे हराना तो चाहा लेकिन कोई भी चीज मुझे हरा नहीं पाई। क्यों नहीं हरा पाई? क्योंकि यहोवा मेरी ओर, मेरे साथ, मेरे संग, मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरी ढाल बनके, मेरा रक्षक बनके, मेरी सुरक्षा बनके, मुझे घेरे हुए लेके चलता आया है। अगर वो तब लेके चलता था तो आज भी तो लेके चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना? ठीक है, अब आप मुझे बताइए, क्या जैसा विश्वास आपका कल था वैसा ही विश्वास आज भी है? कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना, कुछ कह रहे हैं कल बहुत ज्यादा विश्वास था, कुछ कह रहे हैं आज बहुत ज्यादा विश्वास है। अब ज्यादा है, ठीक है, कुछ कह रहे हैं अब ज्यादा है, कुछ कह रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो दाऊद था उसका विश्वास से ज्यादा ना परमेश्वर के लिए प्रेम था। दाऊद परमेश्वर विश्वास तो रखता था लेकिन विश्वास से ज्यादा वो परमेश्वर से प्रेम रखता था, वो परमेश्वर से प्रीति रखता था। आपको आपके किसी दोस्त पे विश्वास हो सकता है कि ये मुझे धोखा नहीं देगा। हो सकता है मैं उसको अपनी कोई भी बात बताऊं, ये मुझे धोखा नहीं देगा। लेकिन अपने पति पे या अपनी वाइफ पे आपको विश्वास भी होगा और आपको प्रेम भी होगा उससे। बहुत सी बार आप अपने दोस्त को निराश कर भी दो कुछ बात बोल के तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आप कभी नहीं चाहोगे कि मेरे किसी बात से मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ नाराज हो। अगर नाराज हो भी गया क्योंकि आपको उससे प्यार है तो आप उसके लिए अच्छा खाना बनाओगे, आप उसको बाहर लेके जाओगे, आप उसके लिए गोलगप्पे लेकर आओगे, मतलब उसको खुश करने वाले काम करोगे। क्यों? क्योंकि आपको उससे प्यार है और जिससे प्यार होता है हम हमेशा उसकी खुशी चाहते हैं, चाहे हम उसको कितना भी परेशान करते रहें, कितना भी उससे पंगे लेते रहे, कितना भी उसको उटपटांग हरकतें करते रहे, लेकिन क्योंकि अगर हमें जिससे प्यार है हम उसकी खुशी में हमेशा उसका हिस्सा बनना चाहेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? वैसे ही दाऊद ना केवल परमेश्वर पे विश्वास रखता था बल्कि दाऊद परमेश्वर पर प्यार दिखाता था।
उससे प्यार करता था, उससे प्रीति रखता था, और इसीलिए कॉन्स्टेंटली उसका विश्वास परमेश्वर में मजबूत होता गया और परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता और मजबूत होता गया। जिससे आप प्यार करते हैं उस पर आप विश्वास आंख बंद करके रख सकते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं उसको अपने दिल की बात बताने में हिचकिचाते नहीं हैं, जिससे आप प्यार करते हैं उसको खुश करने वाले काम आप अपने आप करना स्टार्ट करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए आप सजना शुरू करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं उसकी बातों को उसके बिना बोले समझना शुरू करते हैं। किसके कारण? सिर्फ प्यार के कारण। ये है बहुत छोटा सा शब्द प्यार, PYAR, प्यार, लेकिन जिससे ये प्यार हो जाता है जिंदगी के मायने एक अलग ही तरीके से उसके साथ शुरू हो जाते हैं। जब तक आपको अपने पति से प्यार नहीं हुआ था, जब तक आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ था, वो आपके लिए एक अनजान व्यक्ति था। आपको कोई मतलब नहीं था उसने खाना खाया नहीं खाया, आपको कोई मतलब नहीं था वो कैसे कपड़े पहन रहा है या कपड़े पहन रही है, आपको कोई मतलब नहीं था वो किस जगह पे काम कर रहा है काम कर रही है, आपको कोई मतलब नहीं था वो परमेश्वर को जान रहा है या नहीं जान रही है। लेकिन जिस घड़ी आपको उससे प्यार हुआ, आपके हॉर्मोन्स ने क्या बोलना शुरू किया? चिंता करनी शुरू करी उसकी, क्या इसने खाना खाया, क्या इसने आज वचन पढ़ा, क्या इसको कोई दुख तो नहीं है, इसने इसके लिए मैं प्रार्थना करूं, इसने मेरे लिए प्रार्थना किया, इसने मेरी खुशी देखी, मैं इसके लिए क्या और अच्छा कर सकता हूं, मैं इसके लिए क्या और अच्छा कर सकती हूं, मैं इसको कैसे सरप्राइज कर सकता हूं, मैं इसको कैसे दिखा सकता हूं अपने प्रेम को, मैं कैसे और जता सकता हूं कि मैं इससे प्यार करता हूं। जब प्यार होता है तो ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। सेम प्यार अगर हम किसी इंसान से कर सकते हैं तो क्या ये प्यार हम परमेश्वर से नहीं कर सकते? हाँ या ना? कर सकते हैं नहीं कर सकते? सबके हाथ खड़े हैं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब आप परमेश्वर के लिए राजमा चावल बनाओगे? हाँ। परमेश्वर के लिए गोलगप्पे लेके जाओगे? हाँ। परमेश्वर के लिए आप अच्छा सा सूट पहन के तैयार हो जाओगे? कैसे कर सकते हो आप परमेश्वर को प्यार? चलो आप ही मुझे बताओ। दाऊद ने सब लिख दिया भजन संहिता में कि ऐसे परमेश्वर को प्यार करो, ऐसे परमेश्वर को खुश करो, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो दाऊद का तरीका था परमेश्वर को खुश करने का। आज आपका और मेरा क्या तरीका है परमेश्वर को खुश करने का? ठीक है, स्तुति करना, आराधना करना। ठीक है, जो व्यक्ति पहली बार चर्च में आता है, जो परमेश्वर को ज्यादा नहीं जानता, ठीक है, चर्च में आके ये दोनों काम कर रहा होता है। सॉरी, किस में चलना? पवित्रताई में चलना। ठीक है, होलीनेस में चलना। जो संसार में इतने लोगों ने संन्यास ले रखा है, वो भी तो इसी में चलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु के साथ समय बिताना। ठीक है, जो हम कहते हैं जिन्होंने जी एक एक करके, ठीक है, एक ने बोला समय बिताना, ठीक है जी, तो समय बहुत से लोग अपने अपने तरीके से बिता रहे हैं उसके साथ। और क्या बोला था आपने? आज्ञा मानना, ठीक है, उसको ओबे करना। चलो, स्तुति करना, आराधना करना, पवित्रताई में चलना, टाइम स्पेंड करना, ओबे करना और दूसरों को माफ करना। ठीक है, आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, सब कर रहे हो, आप बहुत अच्छे लोग हो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आप ये सारे काम कर रहे हो, लेकिन फिर से एक सवाल आता है, जिसको हम खुश करना चाह रहे हैं, क्या वो हमसे खुश है? पास्टर जी फंसा देते हो, आप पहले बोलते हो परमेश्वर खुश है, परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हो, फिर बोलते हो परमेश्वर क्या आपसे खुश है। ऐसे मत किया करो हमारे साथ, हम खुश होके दुखी से हो जाते हैं। हाँ, ऐसा कुछ है।
अब बताइए ना, हम ही देखो चर्च में जाते हैं, पूरा दिन हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वचन सीखते हैं, तो पवित्रताई में चलने का भी काम करते हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं तो उसका टाइम भी स्पेंड करते हैं, वचन पढ़ते हैं तो यस हम उसको ओबे करने की भी कोशिश करते हैं, हम ओबे करते हैं, माफ़ करते हैं, परमेश्वर बोलता है अपने गलती पाप गुनाहों को माफ़ करेगा, सॉरी अपने गुनहगारों को माफ़ करेगा तो मैं तेरे गुनाहों को माफ़ करूंगा, तो हम माफ़ भी कर देते हैं, हम ये प्रभु सब काम करते हैं, ठीक है, कि परमेश्वर हमसे खुश हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या परमेश्वर आज आपसे, मेरे से, हमसे खुश है या नहीं है? नहीं है खुश आप लोगों से? बताओ ना, है या नहीं है? मेरे पास दोनों आंसर हैं। ठीक है, परमेश्वर मूसा के साथ इसराइलियों को लेके चला और 40 साल के बाद उसने एक बात को लिखा कि मैंने उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, खाना सब दिया, लेकिन मेरा आत्मा उनसे खुश नहीं था। आपको रोटी, कपड़ा, मकान, आशीषें मिल रही हैं, इट डजंट मीन वो आपसे खुश है, ठीक है? अब आप फिर बोलोगे, पास्टर जी फिर फंसा दिया आपने हमें, हम तो सोच रहे थे परमेश्वर हमसे बड़ा खुश है, लेकिन अब आप कह रहे हो परमेश्वर हमसे खुश नहीं है, अब हम किसको राजमा चावल बना के खिलाएंगे, किसके साथ हम खुशी दिखाएंगे, किसको हम बताएंगे कि हम खुश हो सकते हैं, हम कैसे काम करेंगे? पास्टर जी आप हमें बता दीजिए, आप तो बहुत कंफ्यूज करते हो, हम अगली बार से क्लास में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ है? आप जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो क्या आप परमेश्वर को फील कर पाते हैं? हाँ या ना, सिंपल, बस कुछ इससे आगे कुछ नहीं। नहीं फील कर पाते प्रभु की प्रेजेंस को? कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना, ठीक है, ठीक है, वही बता रहा हूँ, कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना, ठीक है, ओके। जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, ठीक है, तो एक बार में पूरा होता है या थोड़ा समय लगता है? समय लगता है, ठीक है। जब आप वचन पढ़ने बैठते हैं तो आप समझ पाते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझसे बात कर रहा है? जी, ठीक है। जब आप कुछ भी काम करना चाहते हैं या आप जब कुछ भी काम करते हैं तो आप फील कर पाते हैं कि यस, ये परमेश्वर मेरी मुझ में से होके कर रहा है? यस। तो हम कैसे बोल सकते हैं प्रभु हमसे प्यार नहीं करता? ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, इसको मिटा दूँ, हटा दूँ, लिख लिया सबने? ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल। एक क्लास में 3 बच्चे, ठीक है जी, एक क्लासरूम चल रहा है, वहां पे 3 बच्चे हैं, ठीक है जी, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो प्लीज जज मत करना, ठीक है जी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्लास में टीचर आया और टीचर ने पहले वाले बच्चे को हग कर लिया, ठीक है, गले से लगा लिया, ठीक है, आगे गया, दूसरे के सर पे हाथ रख दिया, ठीक है जी, सर पे हाथ, और जब तीसरे वाले के पास गया तो उसने क्या किया, वो दूर से उसे देख के स्माइल करके चला गया, ठीक है, इस पे जरा विचार कीजिए, जय मसीह की।